झंझट होता था जी, हिंदू मुस्लिम का भी कितना झंझट होता था, लेकिन सब आप लोग मेरी बात माने हैं, धीरे धीरे खत्म हुआ। अब फिर कोई ना कोई झंझट कराना चाहेगा, आप जान लीजिए। अब कुछ लोग लगेगा फिर बाएं दाएं करने में, इधर उधर झंझट करने की कोशिश करेगा, तो जरा पूरा तौर पर अलर्ट रहिएगा, कभी झंझट मत करने दीजिएगा किसी को। और आपस में जब प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा तो कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे आप बढ़ रहे हैं, अब आप देख लीजिए। अब कोई तरह की जो कमी, हम कहीं भी जाते हैं सब जगह कहते हैं कि यहां पर ये बनाइए, अभी सब आपको अधिकारी गण और नेतागण कह देंगे किस चीज को देख रहे हैं, इसलिए हम तो भाई करते रहेंगे। और आप लोगों ने हमको यहां पर आए हैं तो हमको एमएलए तो आप ही ना बनाए जी, अब उसके बाद कितना दिन एमपी हमको एमपी बनाते रहे, तो सब कुछ किए हैं काम, अब तो हम सेवा कर रहे हैं, तो आपने जो हमको बनाया, हमको अवसर दिया, तो हम तो घूम घाम रहे थे ना, और जब हम 85 में बने तो सब जगह घूमते रहते थे, और हमको पार्टी का लोग कह रहा था कि आप पटिया में अब ये काम करिए, तो हम करते ही नहीं थे, हम कहता भाई पहले पार्टी का काम करते थे, हम दो बार हार गए थे, इस बार हम जीते हैं, हम खाली क्षेत्र में घूमेंगे। और आप समझ लीजिए कि जितना इसके लिए जा रहे थे नेता, तो हम तैयार ही नहीं हो रहे थे, लेकिन इसी इलाके में आप ही के और आगे उस साइड में हम जो रोज घूमते रहते थे, हम कहे क्या ही रोज घूमते रहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, खाली क्षेत्रवा में घूमते रहते हैं, हम लोग तो सब दिन आपको मदद करने करेंगे। और उसके बाद हम मान लिए उनकी बात को, तो उनके बाद बात मान लिए, और तब उसके बाद से आप सोच लीजिए आगे काम करते रहे, और जितना संभव था उतना हम सेवा किए, तब तो हमारा एगो बात मानिए, आप लोग तो इतना कर ही लिए हैं कि इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी, तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत उक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है, और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।